एक्चुअली मैं किसी की नहीं, मैं बच्चों को खुद, मैंने एक दिन अपने प्रमोशन की बारगाह में अर्ज की, अब तो ऑलरेडी हमने इश्क का जनाजा निकाल दिया है, खुदा की कसम है, इश्क का लफ्ज है, कैफियत है, हाल है, अगर कुछ का वजूद होता ना, वो चीख चीख के कहता तुम झूठे हो, तुम झूठे, तुम्हें क्या पता इस चीज को कहते हैं, अगर देखना हो इसको क्या है तो करबला देख लो, अगर देखना हो इसको क्या है तो तुम बदर देख लो, अगर देखना हो इसको क्या तो फिर अबू बकर को देख लो, अगर देखना हो इसको क्या तो फिर मौला मुश्किल कुशा को देख लो, हमारी जाने को लाके इसे कहते हैं खाओ पियो नचो टपो देखा तो जो ऐद करनी है इसी दिन तो इसको नहीं कदर से आते। मैंने अपने पीर मुर्शिद की बारगाह में इसकी मजरत को इसके बारे में इरशाद फरमाया, चौंक से गए और मुझे देख के इरशाद फरमाना है मौलवी रोटी शोटी खाया कर इशक का नाम ही नहीं, ये तो जान मांगता है, ये जान मांगता है, हर इदारे के हर कोर्स के कुछ रहनुमा होते हैं, ये जान मांगता है, इसलिए तो हजरत ख्वाजा गुलाम भाई हर एक ने अपने अपने अंदाज में रखा कि शायद किसी को बात समझ आएगी, फरमाते इश्क ते आतिश दूनी बराबर, इश्क ते आतिश दूनी बराबर, ते होवे इश्क दा तां उत्थे खेड़ा, आतिश सारे कत्त ते कनेड़ा, ते इश्क सारे दिल जेड़ा, ये जला देता है, ये कुछ नहीं छोड़ता। हजरत राबे बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैहा ये लिखा, आप बैठी थी गुफ्तगू हो रही थी, किसी शख्स ने दौरान गुफ्तगू शैतान का नाम ले लिया, आप हैरान होकर पूछती हैं ये शैतान कौन है, वो शख्स भी बड़ा हैरान हुआ कि हज़रत राबिया जैसी शख्सियत को शैतान का नहीं पता, वो जो आगे से कहता सईदा आपने शैतान का नाम नहीं सुना, आपने फरमाया तेरे मुंह से सुना, मैंने तो रहमान का ही सुना है, कुछ नहीं छोड़ता। इसीलिए तो हजरत बाबा बोले शाह कहते हैं ना, सही होनी मैं रांझा सद्दो हीर ना को कोई, रांझा रांझा कर दी मैं आप ही हार, इसकी तो है जो करवाला हमें लाता है, इश्क की तो है जो खुद सजाता है, इश्क की तो है जो नैन और तबूक के रंग लिख लेता है, इसीलिए तो इकबाल ने कहा नहीं बे खतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अकल अभी महवे तमाशा है लबे वाम खड़ी है, हम खड़े हैं जी, आज आप देखो ना जी उतर यहाँ पे ताशा चिरी दाढ़ियों से खाली है, बेताशा जी चिरी दाढ़ियों से खाली है, मैं पीछे भी और मेरा बिल्कुल इस तरह का गलत अंदाज नहीं है, मैं को खुशामदी रंग अख्तियार करूँ ना भाई, मैं को आप मैं तो जिनकी नौकरी कर रहा हूँ मैंने तो उनकी करनी है, और मैं भी वो तो जरा आप सिटी से काफ़ी आगे आ गए हैं ना, वहां मैं बिल्कुल सिटी के पास था, मैंने पूछा नारवा वालों से, मैंने कहा क्यामत तक ये शेर पढ़ा जाएगा इन शाह बफदल ताला, रहेगा ही नहीं उनका चर्चा रहेगा, क्यामत तक पढ़ा जाएगा, और क्यामत तक रहेगी जो मर्जी कर रहे यजीद ने यजीद ही रहना, हुसैन हुसैन ही है, ये जितने मर्दी दलाए लाते रहे यजीद फिर भी यजीद, हाँ और पता इनको भी है, जैसे शाह साहब कह रहे थे ना पता इनको भी है, आज भी आपको गुलाम हुसैन ही मिलेंगे, गुलाम यजीद को ही मिलेगा, आज भी आपको गुलाम हसन मिलेंगे, गुलाम यजीद नहीं मिलेगा आपको कोई भी, बल्कि अपने बच्चों का नाम भी रखेंगे गुलाम यजीद, हाँ जी गुलाम मुर्तजा मिलेंगे, गुलाम मुस्तफा मिलेंगे, गुलाम मुश्तबा मिलेंगे, गुलाम हुसैन मिलेंगे, गुलाम अली मिलेंगे, मोहम्मद अली मिलेंगे, ठीक है जी, लेकिन यजीद ना गुलाम अपने स्टेज पे उसका कि तेरे दिल में ये कैसी जगह पड़ गई, बस गिरा पड़ गई, बाकी पता इनको भी है कि यजीद कोई, मेरे अपने बड़े बेटे का नाम मोहम्मद अली है, मोहम्मद आपको नहीं मिलेगा ना यजीद ना गुलाम यजीद, हाँ इन्होंने मुखालफत में रख नहीं है, रखो तंग अब चलो शाह साहब ने सलाह फरमा दी, मैं भी कह देता था लेकिन शाह साहब जैसे कभी रुक गया, वो धाड़े का धाड़ा यजीद और हम मैं जी गुलाम हुसैन शाह शाह भाई लिखा किसी ने यजीद के लिए, वो लिखता कौन जी, क्योंकि सबको पता था शाह हस्त हुसैन, सबको पता था जी जो शाह वो ही है, वो ही है जो मौकों में खुदा के कंधों पर सवारी करते थे, वो ही है जिनके लिए हजरत जन्नत से कपड़े आया करते, वो ही है जिनका झूला जिब्राइल जलाया करते, वो ही थे जिनके लिए महबूब खुदा ने फरमाया जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत रखी उसने मुझ से मोहब्बत की, जिसने हसन और हुसैन से बुग्ध रखा उसने मुझ से बुग्ध रखा, है कोई ये जीत के लिए सर कुछ नहीं पता इनको भी है, बस मैं दुआ ही करूंगा जो सूफियों का अंदाज है अल्लाह इनको
अल्लाह को हदायत दे। अता बाकी छह की आयत कत्ले हुसैन नस्ल में मर गई है, ठीक है, कत्ले हुसैन नस्ल में मर गई है, इस्लाम जिंदा रहता है। आज मैं यहाँ बैठे बड़े बच्चों से पूछ रहा हूँ और अगली अहम मुंडियाँ हैं ना कर चलिए पढ़ के, जरा मुझे बात की गहराई में जाके बताना। आप दो बड़े शहर को बैठे हुए इस जानब शकरगढ़ है, आप हवा में जाना होता होगा, अगर आप इधर तो निकले जाके जाके नारोवा है। अब मैं सच बताना है, आप नारोवा या शकरगढ़ में कहीं इस्लाम नजर आया, किसी बाजार में आपने इस्लाम देखा हो, किसी मैरिज हो, किसी यूनिवर्सिटी में इस्लाम नजर आया, किसी कॉलेज में इस्लाम नजर आया? और यहाँ बहुत बच्चे इस तरह के बैठे हैं, बड़े मेरे भाई इस तरह के बैठे हैं, मैं उनसे कहूँगा पुत्र कभी शीशे के सामने खड़े होकर देखना, तुझको खुद पे भी सलाम आ जाएगा। हमने तो ये सुना कि कत्ले हुसैन असल में मर गए, इस्लाम जिंदा होता है हर कर्बला। किधर है इस्लाम? आज गरीब बेटियां नहीं होंगी, चादरें उतर गई, दुपट्टे उतर गए, हर दुकान, हर दूध वाली दुकान, हर नाई की दुकान केवल चल रही है, मुझे चल रही है। अल्लाह माफ़ फरमाए, अगर मोबाइलों की तलाशी लीजिए तो पता नहीं किस किस के मोबाइल से क्या क्या निकल आ जाए। इस्लाम है